बेबी। कैसन हो चाटे साहब? कड़क नोट है जेते? 10 लाख उमा 90 लाख, कुल मिलाकर 1 करोड़। इसलिए कल बड़ी कुर्सी के लिए इंटरव्यू है ना, 25 अनपढ़ गवार को जॉब देनी है, 1 का 4 लाख देंगे। अरे मुझे इतना हिसाब तो आता है। एक मिनट जरा चेक कर लेता हूँ, कहीं तूने कोई कैमरा तो नहीं छुपा है? कपड़े उतारू चेक करेगा और भी कुछ चेक हो जाएगा। हाँ अब बोल। चाटे मेरा कमीशन मत चट कर जाना। ओके अब ऐसे कहाँ ले जा रहा है? बड़ी का चाटेगा छोटी का बांटेगा, नीचे वाले को खुश रखेगा तभी तो ऊपर तक बात नहीं जाएगी। पॉइंट है गांडा। आ देवा, इतने पैसे में तो मैं अमेरिका जाके सैंडविच मसाज कराऊंगा। ये डंडा किसका है? मुझे छोड़ दीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे फंसाया जा रहा है। सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने आपका नमक शक्कर गुड़ सब खाया है, यहाँ तक कि गन्ना भी चूसा है। पुलिस बाबू, हमारी माँ जब ब्याह कर आई थी ना तो यही सूटकेस लाई थी, इसमें हम कुछ नहीं रखते, ये प्योर चांदी का है ना। मतलब सूटकेस में कुछ नहीं है? दिख रहा ये तो चीटिंग है, इसने चांदी के सूटकेस से चाटे को चटनी चटाई, मतलब धूल चटाई। मैं कोई चोर नहीं हूँ। अगर तेरे आम के बागीचे से मैंने चूसी हुई गुठली भी चुराई तो मैं चोरीच कहलाऊंगा ना। लाई जवाने। चाटे क्यों हिल रहे हैं? सर मुझे बचाइए ना, ये लोग मुझे ससुराल ले जा रहे हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो जमाई की जम के खातिरदारी होगी, है कि नहीं? जा जल्दी जा। सर जमाई राजा का वहाँ बच जाएगा बाजा। इसे जेल में डाल के मोटा ताला लगाना, पतली ताल देना, चली रोटी के साथ ओला में भेजा क्या? तुड़वाना भटिंडे बाटली वाले को, सबको बाटली में उतारना आता है। नौकरी चाहे 2000 की हो, ईमानदारी 2000 करोड़ की होनी चाहिए। बेईमानों गद्दारों की लगाम कसना मैं जानता हूँ। क्या हुआ? कॉल मिले को जल्दी दे, जल्दी कॉल, जल्दी कॉल। ए तोतले थुन्ना, मेरे को भी खोलना रे। अगर मैंने तेले को खोल के आजाद कर दिया तो हम लोग पुलिस वालों को ये ताबित नहीं कर पाएंगे कि हम लोगों का अपहरण हुआ था। इन सब लोगों से बदला लेना या नहीं? बदले की आग सुलग रही है, उतने पुतने मत देना, मैं आता हूँ। अरे रोको उसे, वो भाग रहा है। अरे क्या बोल चला कहता हूँ, हम मर गए। रोको उसे, अरे वो भाग रहा है। रुक पकड़ो, रुक तेरे खून में कितनी गर्मी है, मेरे को भी कोई टिप देना। सिंपल छे, गरम टवाला नीचे बेसी ने उंडियो खाओ ने, दिमाग नहीं सब कुछ गरम हो जाएगा। हाँ मैं तो चाहूंगा इसका लगन तेरे साथ हो जाए, तू तो जीनियस है यार। देखता हूँ ये विदाउट सिग्नल किधर भाग रहा है। चाचा पकड़ पाया नहीं? ये तो जॉगिंग का टाइम है। अरे हार्ट पेशेंट रोक। थैंक यू सर, थैंक यू। इसका नाम क्या है? सर मैं एला, इसका नाम क्या करने का, ये एकदम सोने की लगड़ी है। हाँ तो इसको पिघला देते हैं ना। मेरे भाई भटिंडा बाटली वाला। ओहो भटिंडा बाटली वाला बकवास नाम है। गांडो सर मेरी बात सामलो ने। हाँ आप जो प्रवचन दे रहे हैं मैं पीपल के पत्ते पर उसे लिख लेता हूँ, उस पर ऑटोग्राफ दे देना, मैं फोटो फ्रेम बना लूंगा। अरे पीपल का पत्ता कहाँ से मिलेगा, अभी सेल्फी मार लेना ना। स्टिक है ना? फोन लगा, टिकरा को फोन करना ही पड़ेगा, जी जल्दी लेगा। ओ घंटे बज रहा है, किसका देख? किसका फोन है? अरे यार कट कर लेगा। पर्सनल मैनेजर का ऑफिस, थैंक यू। दूसरे नंबर पर लगा करता हूँ। वापस लगा क्या? अरे थूकने लगा रहा, फोन लगा रहा, रुक ना। अरे है ना कोंडा जी, पास आइए। चीज़, दही, पनीर। सर मेरे को यहाँ के मैनेजर से मिलना है, अर्जेंट काम है। सर मेरा नाम अगा भाई भतिंदे है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कॉल आया था।
लेकिन अभिषेक बातली वाला नाम के गुंडे ने मेले को उल्लू का पत्ता बना दिया। सर, उन लोगों का बहुत बड़ा गैंग है सर, शायद पुलिस वालों ने उन पर इनाम भी रखा होगा। हम लोग कंप्लेन कर देते हैं, फिर इनाम के पैसे से हम लोग गाँव में पोल्ट्री फार्म खोलेंगे। सर, अगर मैं उसको बुरखे में भी देखूंगा तो पक्का पहचान जाऊंगा, कसम से। आर यू श्योर? श्योर सर। क्या वो भी मेरी तरह बाटली वाला है? डॉगी पोज नहीं छोड़ने का? काहे झटके आ गए? तू मैनेजर है? जिस तरह तिजोरी को चोर से और लड़की को चोर से छिपा कर रखते हैं, मैंने भी कुछ छुपाया। अच्छा सुन तो बाटली वाला साहब जी, अभी के अभी तेरा प्रमोशन करके तेरे को एचआर मैनेजर बना देता हूँ। समझ गया? क्या क्या गधेड़े की तरह मेहनत कर। इती को कहते हैं अंधेर नगरी और चौपट राजा। हर सही कुर्सी पे गलत आदमी बैठा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। पट्टा तो तूने पहना है सर। जंगली हरकतें छोड़, मेरा पालतू बन जा। बन जाऊंगा, घर में डिवोर्सी माँ है और बहन की दूसरी शादी कलानी है। बैठे बैठे पगार मिलेगी। आपके विचार हिमालय जितने बले हैं। चलता हूँ, हाथ दुखला है। चल नाश्ता करके जा, भूख नहीं है। तल तो करेले का जूस पी ले। पर क्यों? 5,000 बढ़ाऊंगा। कम है तल, ज्यादा नहीं बढ़ा सकते? तुझे डॉगी स्टाइल की आदत पड़ गई है क्या? कुत्ते की तुम टेढ़ी होती है, वो कहावत तो तू नहीं है ना? मेरा हाल वैसा ही है। ओहो, तेरे दोनों हाथों पे पीओपी चढ़वा देता हूँ। आप सीओ तब बनने वाले हो, बताओ ना। तेरी दुआ रही तो बहुत जल्द बन जाऊंगा। चल आजा, गार्डन में घूम के आते हैं, वहीं पे थोड़ा हल्का हो जाना। मेरा हाथ बहुत टाइट हो गया है। हाँ ढीला कर देता हूँ। इसने किसी को कुछ बताया तो नहीं? बताया तो, पर सब इसी को बताया। मामा तुम यहाँ क्यों आए? आना ही था तो बुरखा पहन के आना चाहिए था। किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ले जाओ इसे। भागा तो इसके पीछे पीछे मैं भागता आ गया। ले जाओ। एक बात बताओ, तुम लोग दोनों दांत में क्यों नहीं दिखने चाहिए? पेट्रोल और चिंगारी का तो 36 का आंकड़ा होता है। हाँ? मेरा और इसका तो 72 का आंकड़ा है, समझा कर यार। पेट्रोल का नाम तुमके पेट्रोल का भाव याद आ गया? भाव नीचे जाने की बजाय दिन ब दिन ऊपर ही चलता जा रहा है। भगवान ये मामू, निकलो यहाँ से। ले चल के। सर मेन ऑफिस से फोन है सर। किसका है? दानिश का। हा? बोल बेटा। मैंने अभी अभी एक फोटो भेजा है, व्हाट्सएप चेक करो। ओके रुक जा। ये कंटोप वाला तो बिंदा का साला है, और इसके बाजू में जो खड़ा है ये भी इसका कोई रिश्तेदार होगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दानिश। तो इसका टिकट कटवा दूं? चलेगा। किसी को मारना अंगूर तोड़ने जैसा है, एक तोड़ो दो तीन खुद से आ जाते हैं। लोगों को लगेगा इसके जिम्मेदार हम हैं, लेकिन वो जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिना खाद के फसल होती है। तू गाड़ी चला। कुछ लिंक नहीं मिला। पक्का? पक्का भांजे, हम ऐना की पूरी कॉल लिस्ट को चेक कर चुके हैं। बिंदा की मौत की रात कोई भी इंटरनेशनल कॉल नहीं हुई। ये दो मुंह वाला एनाकोंडा है। ऐना ने कॉल नहीं की होगी तो कोंडा ने की होगी। घड़ी खम्मा। ये देखो पूरा पैसा मिल गया इंटरेस्ट के साथ। लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात, बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली बटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ, स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो? मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी।
दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी बड़ी बड़ी। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कौरवों के जासूसों ने पता लगा लिया कि पांडव कहाँ है। ऐसे में अगर पांडव जासूसों को मार देते तो कौरवों को पता चल जाता, और अगर छोड़ देते तो वो जासूस पांडवों के छुपने की जगह कौरवों को बता देते। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए, उन्हें मार दिया जाए या उन्हें छोड़कर खुद मुश्किल में पड़ जाएं। ऐसा क्या किया जाए कि अज्ञातवास के दौरान उनका पता किसी को न चले। आखिर इसका समाधान क्या है, तो नकुल ने एक सुझाव दिया। हम जासूसों को इस तरह से मारेंगे ताकि ऐसा लगे ये खुद की मौत पर। उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को मारना ही नकुल धर्म कहलाता है। क्या हुआ भांजे? जब मैं कौंडा के बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ थी तो कौंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा, ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तो बिंदा। कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगो नहीं बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभकाम में देरी नहीं। कोई एनो और कौंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को एनो और कौंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहां की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढकर काटना होगा। कौन हो सकता है?